దేశవ్యాప్తంగా ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. హర్యానాలో భారీ జెండా ర్యాలీ నిర్వహించారు విద్యార్థులు. 6600 అడుగుల పొడవైన జాతీయ జెండాతో ర్యాలీ చేశారు. హర్ఘర్ తిరంగా కార్యక్రమాన్ని విస్తృతంగా జనాల్లోకి తీసుకువెళ్లేందుకే ర్యాలీ నిర్వహించామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. की रक्षा की 62 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 71 की लड़ाई में, कारगिल में आतंकवादियों से लड़ते हुए उन सबको भी याद कर रहा है, उन सब सैनिकों को भी सलूट कर रहा है जो आज भी इस देश की सीमाओं पर खड़े हैं. एक भाव विभोर होकर लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं. ध्वज की गरिमा और गौरव के साथ बनाए हुए इस अभियान में भारत का बच्चा बच्चा जुट गया है. मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो तिरंगे के प्रति इतना भाव उमड़ने का मौका उन्होंने दिया है. नहीं तो पिछली सरकारों ने बड़ा इसको सीमित रखा था और अब ये जन आंदोलन, जैसे मैंने कहा, इतना व्यापक हो गया है तो ये बहुत ही आनंद का पर्व एक तरह से बन गया है. इसमें जहाँ पहले जो बलिदान हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि है, भावांजलि है, वहाँ आगामी अमृतकाल के सपने भी हैं कि आगामी 25 वर्षों में